भजाओ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार बिंद रे, अभय चरणार बिंद रे। समम काय शिरोग्रीवम धारयन् अचलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चान अवलोकयन् प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी वृते स्थिता मने संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। युञ्जिनेवं सदात्मानं योगिनियत मानसः शांतिम निर्वाण परमां मत संस्थानम अधिगच्छति। कितनी सुंदर कितनी रस भरी वाणी भगवान बोल रहे हैं। इस वाणी को सुनने मात्र से मनुष्य के पाप झड़ते हैं। सुनने मात्र से युञ्जिनेवं सदात्मानं योगी नियत मानसा शांति निर्वाण परमां मत संस्थान अधिगच्छति। भगवान कहते हैं कि ऐसा योगी जो सदात्मान सच्चे हृदय से जिसके मन बुद्धि विचार शुद्ध हो गए हैं, जिनके अंदर पवित्रता व्याप्त हो गई है, पवित्र हो गए हैं, वो योगी के वश में हो गए हैं, वो एकाग्र हुए तत्व हैं मन बुद्धि विचार चित्त इंद्रिया शरीर की अवस्था। सदात्मानं जो पूरी तरह से सत्य हो गए हैं और सतत साधना में लगा हुआ है, अभ्यास में लगा हुआ है, ऐसा योगी जिसका मन नियति पर है, जिसकी नियति जिसकी चाह जिसके अंदर प्यास जागृत हो गई है मुझे पाने की, सतत प्यासा है, उसकी प्यास टूटती नहीं घटती नहीं बढ़ती है दिन प्रतिदिन, ऐसा योगी जो प्यासा है मुझे पाने का। युञ्जिन एवं सदात्मानं योगी नियत मानसा शांति निर्वाण परमां मत संस्थानम अधिगच्छति। ऐसे योगी को निर्वाण की प्राप्ति होती है, परम शांति की प्राप्ति होती है, परमानंद की प्राप्ति होती है, और ऐसा ही योगी मेरे धाम को आता है, मुझे प्राप्त करता है। मत संस्थानम अधिगच्छति, मत संस्थानम अधिगच्छति, ही अचीव्ड माय किंगडम, वही वैकुंठ का वासी बनता है, वही मुझे प्राप्त कर पाता है, वही केवल मोक्ष का अधिकारी है, वही मुक्ति का अधिकारी है, अधिकारी बन जाता है। कितनी सुंदर बात भगवान ने कही है। कलयुग में ये ध्यान की विशेष क्रिया, शरीर में शक्ति नहीं होती, मन बड़ा चंचल है, स्थान शांत शुद्ध वातावरण में मिलता नहीं। ऋषिकेश हरिद्वार में भी जाओगे तो वहां भी सिनेमा घर है, घर घर में रेडियो बाजे बज रहे हैं, टीवी कैमरे, यात्रियों की भीड़ भाड़, धक्का मुक्की, कुंभ का मेला लगा हुआ है। कुंभ के मेले में कैसे ध्यान करोगे? आपने कभी देखा होगा कुंभ के मेले में अधिकतर महात्मा लोग अपने अन्न भोज में तो रुचि लेते हैं, भंडारा करते हैं, लंगर लुटाते हैं, राम राम श्याम श्याम करते हैं, एक दूसरे के दर्शन करते हैं, लेकिन ध्यान वृत्ति में उनसे वहां नहीं उतरा जाता। भीड़ भाड़ में क्या ध्यान करेगा कोई?
कैसे कंसंट्रेशन करेगा अपने माइंड को, कैसे एकाग्र चित्त होकर बैठेगा। वहां तो हजार आदमी आएंगे, बाबा राम राम, तुम कितने ये बैठ जाओ अपने तंबू में, वह 20 संत आएंगे राम राम करने वाले, शाम शाम करने वाले, चिलम पीने वाले, संसारिक लोग दर्शन करने वाले। आज जो है इन स्थानों पर भी बड़ी भीड़ हो गई है, प्रयागराज, अलाहाबाद, इलाहाबाद। इला नाम के एक राजा हुए थे, उससे कभी इलाहाबाद जाना जाता था, फिर अल्लाहाबाद बना, प्रयाग अल्लाहाबाद बन गया, आज बड़ा नगर बन गया है। वहां भी कुंभ के मेले हैं, वहां भी यात्रियों की भीड़ है। नहीं, कलयुग में तो जैसे अम्बरीश महाराज चक्रवर्ती सम्राट रहते हुए पूरी पृथ्वी के सम्राट थे, और भगवान श्री राधा कृष्ण के परम शुद्ध भगत थे, उनकी शिक्षा यदि हमें काम आ जाए तो हमें सफलता मिल जाए, हमारे ऊपर भगवान की वर्षा कृपा की हो जाए। अम्बरीश महाराज ने अपने 10 इंद्रियों को और 11वीं मन को, बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाया हुआ था, शासन करते हुए भगवान के शुद्ध भक्ति में लीन थे। उसके उनके विषय में परीक्षित महाराज ने पान किया है अपनी गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी जी के मुखारविंद से, कैसे कैसे इन महापुरुषों की वाणी और हजारों और लाखों को लाभान्वित करती है। श्रीमद् भागवत से ये श्लोक है, अम्बरीश महाराज का गुणगान करते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने पूरी पृथ्वी का साम्राज्य संभालते हुए और भगवान की अटूट भक्ति की, और भगवान को इतना रिझा लिया कि भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र उनके महलों में उनकी रक्षा के लिए सदैव तैनात रहता था। जब एक बार इन्होंने अपना एकादशी व्रत खोला जमुना के किनारे, और व्रत को खोलने के बाद इन्होंने फिर एक व्रत ले लिया कि 3 दिन निर्जल व्रत कर रखूंगा और भगवान की उपासना करूंगा, राधे गोविंद को स्नान कराऊंगा यमुना जल से, चंदन घिसूंगा अपने हाथ से, तिलक लगाऊंगा, अलंकृत करूंगा आभूषण गहनों से, वस्त्र परिधान पहनाऊंगा, सुंदर भोग लगाऊंगा, संत महात्माओं को खिलाऊंगा, विद्वानों को खिलाऊंगा, भगवान का भजन करूंगा, अटूट 3 दिन और 3 रात निर्जल किया। उन्होंने चौथा दिन आ गया, 9 बज गए, 10 बज गए, पंडित लोगों ने कहा कि महाराज आप अब व्रत को खोल लीजिए, समय हो गया है, ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। अभी आप अपने व्रत को तोड़ सकते हैं। अम्बरीश महाराज ने सब के चरणों में प्रणाम किया, संत साधु ब्राह्मणों के, और जल पान करने लगे, बड़े प्यासे थे, चौथा दिन था, बिना जल पिए। जैसे जल के लिए जल की एक दो घूंट उनके गले में गई कि दुर्वासा ऋषि वहां पर प्रकट हो गए कि राजन, उनके हाथ से तो लोटा गिरने वाला था, क्रोध के स्वरूप है। अम्बरीश महाराज कांप गए कि हाँ, दुर्वासा ऋषि, तुरंत ही उनके चरणों में गिरे, प्रणाम किया। अम्बरीश, हम भी भोजन करेंगे तुम्हारे साथ आज, जला
जरा हम जमुना स्नान करके आते हैं। अम्बरीश महाराज ने कहा धन भाग्य हूं आप आए हैं, आइए मैं इंतजार करूंगा आपका, आपको भोजन करा के ही मैं भोजन करूंगा। लेकिन दुर्वासा है, सभी जानते हैं, शाप देने में भी माहिर है, क्रोध करने में भी माहिर है। बड़े लंबे समय तक लौटे नहीं स्नान करके। अम्बरीश महाराज प्यास से तरस रहे हैं, प्यासे हैं, कंठ सूख रहे हैं, प्राण आंखों में आ रहे हैं, रात दिन जगे हैं, प्यासे रहे हैं, भजन करे हैं, सेवा करिए भगवान की, राधा कृष्ण की। दोपहर ढल गया, 3 बज गए, 4 बज गए, अम्बरीश महाराज परेशान हैं, देख रहे हैं उच्चक उच्चक के, दुर्वासा जी आए नहीं। लेकिन ब्राह्मणों ने और पुरोहित जी ने बोला कि महाराज 2-4 घूंट पानी तो पी लीजिए, वो आ जाएंगे तब आप उनके साथ भोजन कर लेना। बार बार कहने से उन्होंने 2-4 घूंट पानी पी लिया। बस इतने देर में दुर्वासा फिर प्रकट हो गए कि अरे दुष्ट, अतिथि सत्कार के बिना तूने जलपान किया, शर्म नहीं आती तुझे, बड़ा आडंबरी निकला, दुनिया की नजरों में भक्त कहलाता है। तो क्रोध में आग बबूला हो गए दुर्वासा ऋषि, उन्होंने अपनी जटाओं से एक बाल निकाला और जमीन पर झटका देके पटका, तो उससे कृत्या राक्षसी पैदा हुई। राक्षसी ने दुर्वासा के प्रणाम करके कहा कि क्या आज्ञा है महाराज। बोले दुष्ट अम्बरीश को मार डाल, इसने अतिथि सत्कार किए बिना, अतिथि को भोजन कराए बिना जलपान ग्रहण किया है। कृत्या जैसे ही आगे बढ़ने लगी, सुदर्शन महलों में से तुरंत प्रकट हुआ जो भगवान की कृपा से दुर्वासा जी की रक्षा करता था सदैव। कृत्या को नष्ट किया, राक्षसी को नष्ट किया सुदर्शन ने, और दुर्वासा के पीछे लग गया। दुर्वासा की तरफ आने लगा जलता हुआ सुदर्शन, तो आकाश मार्ग से भागने लगा दुर्वासा ऋषि। इंद्र के पास पहुंचा कि इंद्र, बोला हां दुर्वासा देव, मेरी रक्षा कर। बोलो क्या हुआ? बोलो देख मेरे पीछे सुदर्शन चला आ रहा है, मुझे मार डालेगा, जला डालेगा। बोले ये तो विष्णु का सुदर्शन है, मैं इससे कैसे रक्षा करूं? तो कोई उपाय बता। एक ही उपाय मुनिवर, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए, वो आपकी रक्षा कर सकते हैं। ब्रह्मा जी कैसे रक्षा करेंगे? ब्रह्म तेज से, ब्रह्मास्त्र से। ब्रह्मा जी ने देखा कि सुदर्शन दुर्वासा के पीछे है और दुर्वासा गिड़गिड़ा रहा है कि मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने भी यही बोला कि मैं कैसे रक्षा करूं, ये तो विष्णु का सुदर्शन है। तो आखिर बोला कोई उपाय तो बतला, फिर नहीं तो मुझे मार डालेगा, जला डालेगा। ब्रह्मा जी ने कहा एक उपाय है, तुम शंकर भगवान के पास जाओ कैलाश पर्वत पर। लेकिन शंकर भगवान ने तो यही बोला कि मैं कैसे अपने त्रिशूल से रक्षा करूं, ये तो विष्णु का सुदर्शन है, विष्णु के सुदर्शन से के ऊपर मेरा त्रिशूल नहीं चल सकता, विष्णु मेरे आराध्य देव है। तो आखिर यही गिड़गिड़ाया कि फिर मैं क्या, मैं मर जाऊंगा, कोई युवती बतला दो कैसे बचूं इससे। आखिर शंकर भगवान ने भी कहा कि एक काम करो, तुम जिनका ये सुदर्शन चक्र है उन्हीं के पास जाओ, विष्णु के पास जाओ, वही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथ ऊंचे सिंहासन पर विराजमान थे, जाकर के गिर गए दुर्वासा के चरणों में, लंबे साष्टांग गिड़गिड़ाने लगे कि रक्षा करो, रक्षा माम, रक्षा माम, रक्षा माम। अरे क्या हुआ भाई दुर्वासा, क्या हुआ, खड़े हो जाओ, मुझे भगवान रक्षा कर दो, आपका ये सुदर्शन मुझे जलाए डाल रहा है। सुदर्शन
क्यों जलाया डाल रहा है? मेरा तो तुमने कोई अपराध किया नहीं, फिर वो सुदर्शन तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है? बोला आपका तो अपराध नहीं है, लेकिन आपके एक भक्त दुर्वासा का मुझसे अपराध हो गया। हां यह बात है, सुनो दुर्वासा, यदि तुमने मेरा बड़ा से बड़ा अपराध किया होता तो अभी इस सुदर्शन को मैं शांत कर देता, ये तुम्हारा कुछ नहीं करता। देखो भृगु ने मेरे लात मारी थी, मेरा कोई कसूर भी नहीं था, लेकिन आखिर मैंने भृगु जी के चरण पकड़ लिए थे और उनको प्रार्थना की कि मेरा हृदय बहुत कठोर है, आपके इतने नाजुक चरण, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? मैंने अपराध नहीं गिना उनका, लेकिन दुर्वासा तुमने मेरे एक शुद्ध भक्त अमरीश का अपमान किया है, अपराध किया है, इसलिए सुदर्शन छोड़ेगा नहीं। तो क्या मैं मर जाऊंगा? क्या मैं खत्म हो जाऊंगा? नहीं, इसका एक उपाय है, यदि तुम कर सको तो। मेरे जिस भक्त का तुमने अपराध किया है उसके चरणों में जाकर गिड़गिड़ाकर क्षमा मांगो, माफी मांगो। यदि वो मेरा भक्त तुम्हें माफ कर दे, क्षमा कर दे, तो इस सुदर्शन शांत हो जाएगा, वरना और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। मेरे भक्त का अपमान मैं क्षमा नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है अपनी बाल लीलाओं में कि मेरे भक्त का अपमान कोई करता है तो मैं उसको नहीं छोड़ता, मेरा कोई अपमान करे तो चल जाएगा, मैं उसे क्षमा कर दूंगा, क्षमा दान दे दूंगा, लेकिन मेरे भक्त का जो राज्य मेरे वियोग में पागल है, प्यासा है, अश्रुपात करता है, एक पल को भी मुझे बिसरता नहीं, जिसने दुख सुखों से, सर्दी गर्मी से, भूख प्यास से सामना करते हुए मुझे सदैव हृदय में धारण किया हुआ है, उस मेरे भक्त का कोई अपराध करे उसे मैं कतई क्षमा नहीं करता। राधिके, आखिर अमरीश महाराज के पास लौट कर आए दुर्वासा जी। दुर्वासा जी के अंदर बड़ा तेज बल है, अमरीश महाराज के चरणों में आकर के लंबे लेट गए और गिड़गिड़ा कर बोले, हाथ जोड़कर, कि मुझे क्षमा कर दो, मुझसे महान गलती हो गई है। वे अमरीश महाराज भक्त है, महान है, वो उनके इंतजार में खड़े ही रहे जब तक वो इतनी लीला हो चुकी। कहते हैं पृथ्वी लोक का एक वर्ष बीत गया वापस लौटने में दुर्वासा को, तब तक अमरीश महाराज भूखे प्यासे उसी स्थान पर खड़े रहे, उनका शरीर सूख गया, समाधिस्थ हो गए वहीं। लेकिन दुर्वासा को आया हुआ देख करके उनको समाधि खुली और उन्होंने कहा, नहीं नहीं आपसे तो कोई, आप महान हैं दुर्वासा जी, आपसे कोई अपराध नहीं हुआ, अपराध मुझसे हुआ है, आपका सत्कार किए बिना मैंने जल पिया, मुझे क्षमा कर दो। एक दूसरे से क्षमा मांग रहा है, आखिर सुदर्शन तो पीछे से चला आ रहा है जलता हुआ। दुर्वासा ने कहा कि सुदर्शन से कह दो ये शांत हो जाए। अमरीश महाराज ने बड़े सुंदर श्लोकों में सुदर्शन चक्र की स्तुति की, वंदना की, कि संसार में प्राणी फंसा हुआ रहता है, कोई भी गलती किसी से भी कभी भी हो सकती है, हे सुदर्शन आप महान हैं, भगवान के अस्त्र हैं, यह सत्य है कि आप मेरी रक्षा के लिए आए हुए हैं, तो फिर मेरी प्रार्थना भी स्वीकार कर लो। ये दुर्वासा ऋषि के प्रति बिल्कुल क्रोध न करो, आप शांत हो जाओ और महलों में वापस लौट जाओ। सुदर्शन शांत होके अमरीश महाराज के महलों में लौट गए। दुर्वासा ऋषि महान थे, चक्रवर्ती सम्राट थे,
अम्बरीश महाराज महान थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, भगवान के शुद्ध भक्त थे। उन्होंने अपने दसों इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, कहीं कि अपने जीवन को भगवान के सेवा में नियुक्त रखा और उनके सेवा करते हुए ही सारी प्रजा को पालते थे। अपनी प्रजा को पुत्रवत नहीं पितावत पालते थे, जैसे एक पुत्र अपने पिता को पालता है ऐसे अपनी प्रजा को प्रसन्न रखते थे। उनके कल्याण के लिए हर प्रकार के आध्यात्मिक उपाय, मंदिर, सत्संग इत्यादि सारे पृथ्वी पर बने हुए थे, जहां जनता लाभ ले सके आध्यात्मिकता का। देखिए इन श्लोकों में किस प्रकार से अम्बरीश महाराज ने अपनी जीवन को भगवान की सेवा में लगाया। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित जी को उपदेश करते हुए कहते हैं, सवई मन कृष्ण पदारविंद वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिशु श्रुतिं चकारायुक्त श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथा कथोदये मुकुंद लिंगालया दर्शने दृशो तद भृत्य गात्र स्पर्श अंग संगमम ग्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत तुष्या रसनाम तद अर्पिते पादो हरेर क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदा विवंदने कामम च दाश मातु काम काम यथोत्तमा श्लोक जनाश्रया रति। आप सुन लीजिए इनका अर्थ, आपका जीवन सफल हो जाएगा। अम्बरीश महाराज ने अपने मन को कृष्ण भगवान के चरण कमलों की वंदना में लगाया, उनकी ग्लोरिफिकेशन उनके कीर्तन में लगाया। सदैव भगवान कृष्ण का गुणगान करते थे, उनकी दिव्य लीला कथाओं के गुणगान में उनका मन लगा रहता था। सवई मना कृष्ण पदारविंद और उनके श्री चरण कमलों में वंदना करते थे। चरण कमलों में मन सदैव स्थिर रहता था, एकाग्र रहता था। यह सबसे श्रेष्ठ योगी है, अम्बरीश महाराज सबसे श्रेष्ठ योगी है, जिनका मन श्री चरण कमलों में लगा है, सदैव लगा रहता है, एकाग्र रहता है, जिनका मन सदैव भगवान की सेवा में रहता है, उस श्रेष्ठ योगी है। वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णन, और अपनी वाणी से उस वैकुंठ पति की लीलाओं का गुणानुवाद करते रहे जीवन भर। उनकी लीलाओं का रसोपान करते रहे अपनी जबान से, अपने वचनों से दूसरों को सुनाते, दूसरों से सुनते। उन्होंने अपनी वाणी को भगवान के कीर्तन में लगाया, जप में लगाया, भगवान का जप करते थे उठकर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निंदा स्तुति में नहीं, झूठ में नहीं, किसी को कड़वे शब्द नहीं, किसको बोले, अपनी प्रजा को पितावत पालते थे, कड़वे शब्द किसको बोले, अपनी प्रजा को नहीं, लाड़ करते थे, प्यार करते थे अपनी प्रजा से, उनके कल्याण के लिए सत्संग भवन बनाते थे अपनी प्रजा के लिए, बड़े बड़े महापुरुषों को बुला करके सत्संग रखाते थे उनका, जिससे प्रजा को लाभ मिले, नहीं दारू खाने, नहीं कत्ल खाने, नहीं वैश्यावृत्ति वैश्यालय, नहीं मदरालय, नहीं जुआ घर, न सत्संग घर। सवई मन कृष्ण पदारविंद वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने
करो हरे मंदिर मार्जिनादिषु, और अपने हाथों को करों को भगवान का मंदिर अपने महलों में सुंदर राधा कृष्ण का मंदिर था उसका मार्जन करते थे सुबह रोज घिस घिस के मांजते थे इन हाथों से भगवान के मंदिर को घुटने टेक करके। चक्रवर्ती सम्राट कितनी भक्ति खिली हुई थी उनके हृदय में। करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकारा अच्युत सत कथो दये, और कानों से सदैव उस हरि का गुणानुवाद उस हरि की कथाएं सुनते थे। अपने कानों को उन्होंने भगवान की कथा अमृत पान करने के लिए काम में लिया। अपनी सभी इंद्रियों को मन को अपने जीवन को भगवान की सेवा में रखा और वो परम सत्य को उस परमेश्वर को भगवान श्याम सुंदर को प्राप्त हुए। जय गोपाल।